बात दुरुस्त है कि हमला औरत सूरज ग्रहण के वक्त कुछ काटने का काम ना करे, अगर मुशाहदे से बात सही हो तो इस पर अमल करना ईमान के खिलाफ तो नहीं हो? तो मुशाहदे का मतलब तो ये होता है कि जब सूरज ग्रहण हो रहा हो और उस वक्त कोई हामिला औरत कोई काटने का काम करे और आपको नज़र आ रहा हो कि वो बच्चा जो पेट में है उसका कोई उज़्व कट रहा है या नाकिस हो रहा है, तो मुशाहदा तो इस तरह होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। बाकी ये कि कोई सूरज ग्रहण के वक्त में किसी औरत ने काम किया था, बाद में जब बच्चा पैदा हुआ तो वो नाकिस पैदा हुआ, तो इसको अगर वो मुशाहदा कह रही हैं तो ये मुशाहदा नहीं है, ये एक वहम है कि इसको उसके साथ जोड़ा जा रहा है। वो अल्लाह की तकदीर से माजूर पैदा हुआ या नाकिस पैदा हुआ, इसका सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण से कोई ताल्लुक नहीं।